बस्तर के घाट लोहंगा में अयोध्या की तर्ज पर प्रभु श्री राम का मंदिर बनाया जाएगा। इसके लिए आदिवासी समाज के सदस्य और पूर्व एमएलए राजा राम तोड़ेम ने अपनी 1.5 एकड़ जमीन दान दे दी है। उनका कहना है कि बस्तर में हो रहे धर्मांतरण को रोकने के साथ ही आदिवासियों को आस्था से जोड़े रखना लक्ष्य है। मंदिर का स्ट्रक्चर अयोध्या के श्री राम मंदिर की तरह ही होगा, लेकिन इसका आकार बस छोटा होगा। जहां अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम चल रहा है, वहीं बस्तर में भी एक अयोध्या के तर्ज पर जो मंदिर बनाने की एक संकल्प लेकर एक जमीन यहां पर चयन कर चुका है। अब क्योंकि जो राम भगवान है वो बस्तर में करीबन 14 साल की वनवास काल में अधिक समय बस्तर में उन्होंने बिताया है, और यही कारण है कि बस्तर वासियों के दिल में भी भगवान के प्रति अटूट प्रेम देखा जा रहा है। और यही कारण है कि बस्तर के जो लोग हैं अयोध्या के तर्फ पे अयोध्या के जो मंदिर बन रहा है उसी तर्ज पर बस्तर में भी एक मंदिर बनाया जा रहा है, जिसके लिए यहाँ का जो समाज सेवक जो यहाँ पे है राजा राम तोड़ेम जी, जो अपने निजी जमीन ट्रस्ट को दान कर दिया है, और इसके पीछे क्या कारण है उन सब जानने की कोशिश करेंगे। तोड़ेम साहब, आपने अयोध्या के तर्ज पर बस्तर में भी एक राम मंदिर बनाने का सपना देखा, क्या वजह है बस्तर में इस प्रकार की मंदिर बनाने के पीछे क्या रहस्य है? देखिए, बस्तर में बहुत ज़्यादा संख्या में आदिवासी समाज के लोग धर्मांतरित हो रहे हैं। धर्मांतरण को रोकने के उद्देश्य से ही बस्तर में अयोध्या में जिस प्रकार रामलला का जो मंदिर बना हुआ है उसका जो लोकार्पण और भूमि पूजन और आज जो है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम वहां संपन्न हो रहा है, और उसी तर्ज पर बस्तर में धर्मांतरण को रोकने के लिए और बस्तर वासियों में राम के प्रति आस्था एवं विश्वास जागृत करने के उद्देश्य से यहाँ राम मंदिर निर्माण करने का हमने संकल्प लिया है। उसी के लिए हमने ये जो ज़मीन है इसको हमने एक ट्रस्ट छोटा सा बना के उसके दान देके उसको रखा हुआ है, और इसके पूर्व हम लोगों ने 2007 में सबसे पहले राम भक्त हनुमान जी की यहाँ मूर्ति स्थापित किए और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके आज उसकी पूजा अर्चना हो रही है। किंतु सबसे पहले हम यहाँ पर हनुमान जी की स्थापना के बाद उसका मंदिर निर्माण करेंगे, उसके निर्माण के साथ साथ राम मंदिर का निर्माण कार्य भी शुरू हो जाए कि बस्तर वासियों के मन में राम के प्रति कितना अटूट विश्वास है। यही कारण है कि बस्तर वासी जो है अब अयोध्या के तर्ज पर बस्तर में एक भव्य राम मंदिर बनाने की संकल्प लिया है। कैमरामैन संजू के साथ जीवन हलदार, INS न्यूज, जगदलपुर।